समझ सकते हो भाई, समझ सकते हो बिल्कुल। मैं एक साल का देता है, कोई इशू नहीं है पकड़ेगा तो। भाई सामान ऐसा दीजिए देख के ना कि अगला बार आए। देखो क्या खूबसूरत लग रहा है यार। तो यार आज हम जा रहे हैं संडे राइड पे, शॉर्ट राइड। देख सकते हो अभी तक इसका की का मैं रिंग भी तक नहीं लिया हूँ, यहाँ ग्लव्स रखा है, ये है मेरा क्यूट सा दी बीस्ट, धुलाया नहीं है क्योंकि सर्विस है इसका। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। तो वीडियो देखने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को शेयर करना, थैंक यू गाइस। तो यार आज का जो संडे राइड है वो मैं ज़्यादा दूर तक नहीं करूँगा, बट थोड़ी दूर पे जाऊँगा हाईवे के साइड। तो यार जो चैनल पे नए हैं यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा चैनल पे जो व्यूज़ गिरता है उसमें 89% नॉट सब्सक्राइब लोग देखते हैं। तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ से हम धूल गर्दा खाना चालू करते हैं। देख सकते हो लाइन से ट्रक लगा हुआ है, बगल से गाड़ी आ रहा है, इतना धूल उड़ाता है कि क्या ही बोलूं। समझ सकते हो भाई, समझ सकते हो बिल्कुल। यार मेरे एक सब्सक्राइबर को ये प्लेस बहुत पसंद आया, ये प्लेस देख रहे हो ये बहुत पसंद आया, उसने मेरे को कमेंट किया भाई ये कौन सी प्लेस है प्लेस बताओ। तो यार ये प्लेस है घाटों का। तो यार आज का मेरा पहला डेस्टिनेशन ये है कि मेरे को पहले पॉल्यूशन बनाना है गाड़ी का, पॉल्यूशन पेपर बनाना है, क्योंकि जब से गाड़ी लिया हूँ पॉल्यूशन बनाया नहीं हूँ, बहुत दिन हो गया है। मेरे को कुछ फल वगैरह लेना है तो वो भी लूँगा मैं। क्या लाल लाल, कभी साला वाइट हो जाता है कभी लाल हो जाता है, ऐसे कैसे चलेगा ब्रो? कभी बूढ़ा हो जाते हो कभी जवान हो जाते हो। देखो यार अब तो लाल लाल हो गया, एक वक्त था जो वाइट वाइट था, ये क्या हुआ यार। लो भाई तुमको पीछे छोड़ना पड़ेगा। चलो हो गया, मेरा गाड़ी का सर्विस का डेट आ चुका है, बट मैं इसे सर्विस नहीं करा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं कल सर्विस कराऊंगा इसका, देखता हूँ पॉसिबल रहेगा तो। वैसे 10 तारीख के अंदर का कराने का बात था, वहाँ को टाइम मिला था, तो इंशाल्लाह कल का प्लान है सर्विस का। गाड़ी में मेरे को कह रहा है प्लीज़ यार अब तो करवा दो सर्विस, 1100 किलोमीटर होने वाला है, हाई मेंटेनेंस गाड़ी है। तो यार यहाँ तो गर्दा कतई बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ पे मतलब कि देख सकते हो हाल देख सकते हो। देखो वहाँ पे सर मैं ना ट्रकों के पीछे ज़्यादा चलता हूँ, क्या करूँ ट्रक ही इतना है। तो तुमको अभी सारे ब्लॉग में हमेशा ट्रक दिखाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रक के पीछे मैं नहीं दौड़ूँ। मैं हमेशा यहाँ से राइट लेता था, वो हाईवे पकड़ के सीधे जाता था ऊपर चढ़ करके, बट मेरे को आज उधर नहीं जाना अपोजिट उधर जाना है, तो इसलिए मैं उस रूट को नहीं इस रूट को पकड़ूंगा ताकि अंदर जाऊँगा। अल्लाह ताला सेफ्टी में भी अच्छा किया, शुक्रिया अल्लाह। तो यार देखो हमारे पास भी एक छोटा टनल है जिसको हम पार करते हैं, और ये वो टनल है
और अब हम इस टनल के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ गाड़ी गरजता है, गरजता है, देख सकते हैं। अब वक्त आ गया है इन सभी ट्रक को ओवरटेक करने का एक पल में। नहीं नहीं देखो, मेरे को यहाँ से राइट जाना है अगर मुझे पॉल्यूशन बनाना है तो। लेफ्ट तो हाईवे, देखता हूँ यहाँ कहाँ पॉल्यूशन बनता है, किसी से पूछता हूँ। पहले चलता हूँ रिलायंस के पेट्रोल पंप पे, वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पे कोई ऑप्शन है कि नहीं पॉल्यूशन बनाने का। बाकी वहाँ तो सब पता चल जाएगा कहाँ पॉल्यूशन बनेगा। अभी मेरा एक्सीडेंट होते थे वजह, अभी मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है बार बार बचा मैं, अल्लाह ताला का शुक्रिया शुक्रिया अदा करता हूँ। पॉल्यूशन बनेगा, मोड़ के लगा। क्या देना पड़ेगा? आरसी? नहीं, नया गाड़ी है, मतलब ये कुछ महीना हुआ है। कितना में? एक साल का देता है, कोई इशू नहीं है पकड़ेगा तो। इस भैया ने बोला मेरे को अभी कोई इशू नहीं है, अभी पुलिस अगर पकड़ेगा भी तो तुम्हारा पॉल्यूशन चेक नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। तो आप इत्मीनान से चलिए, एक साल का वैलिडिटी रहता है BS6 गाड़ी जो अभी आ रहा है सब में। तो यार चलो, मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है, अभी एक साल का समझो कि वैलिडिटी है इस पर। BS6 जितना गाड़ी आ रहा है सबको तो रिफाइंड इंजन है, वैसा कोई पॉल्यूशन तो कोई करता है नहीं। वैसे मैं अभी हूँ कुज्जू मार्केट के अंदर और यहाँ जल्दी मैं इंटर करता नहीं हूँ, बहुत कम। देखा जाए भाई और कोई दुकान है नहीं, यहीं देखते हैं। संतरा कैसे? 50 है। भाई सामान ऐसा दीजिए देख के ना कि अगला बार आए। तो यार जो फल लेना था ले लिए, इसको डालते हैं बैग के अंदर। कुज्जू तो हम हमेशा इंटर किए हैं, बट कुज्जू का ये साइड हम उस साइड इधर जा रहे, इधर आज तक हम नहीं गए। चलो आज इस साइड राइड करेंगे। मैं तो उस साइड से गया था, राइट साइड से गया था, मैं लेफ्ट साइड से निकलूँगा यहाँ से हाईवे पकड़ के, सीधे रूट 20 से कटता है अपने एरिया का। हाईवे पर लेकिन इसका माइलेज ना यार बोलेंगे बहुत अच्छा है इसका माइलेज, देख के मुझे दिल खुश कर देता है इसका माइलेज। बस वही कि अपने एरिया में जो डाउन टू डाउन चलता है धीरे धीरे, उस पर थोड़ा दिक्कत होता है, कम माइलेज होता है। तो ये रोड है वो नीचे से गया हुआ रोड और ये है ऊपर से। तुम लोग यार एक इंस्टाग्रामर को जानते हो प्रकाश पॉल, अपने एरिया का है वो बंदा, जो है अक्सर यहीं शूट करता है। और इस एरिया को तुम देख सकते हो यार कितना खूबसूरत है, वो अक्सर कभी उस ऊपर चढ़ा रहता है कभी नीचे रहता है। यहाँ पे माइलेज भी अप हो गया इसका, 210 किलोमीटर दिखा रहा है, जितना फ्यूल है ना तब भी दिखा रहा, मतलब माइलेज का तो बहुत अच्छा माइलेज है इसका। और ये रोड है ना, ये रोड समझो कि बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर कॉर्नरिंग कर रहे हैं खाली टाइम में, कॉर्नरिंग करने में जो है मज़ा आएगा ना, मुझे नहीं लगता है कहीं आएगा। वो तुम्हारा रेलवे ट्रैक है वहाँ से, मतलब यहाँ देख लेना कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा। वैसे ही अभी बहुत बड़ा हेडेक से निकला हूँ यार, अल्लाह ने मुझे बचा लिया यार। ये अब मैं यहाँ से 2-3 गियर का खेला खेलना चालू हो गया, यहाँ से अब 2-3 का गियर का खेला खेलूँगा मैं यहाँ से, समझो 2-3 का गियर का खेला हुए तो वैसे से मेरे को बहुत भेड़ा आएगा रूट अभी। तो यार जो शूट करना था मेरा शूट हो गया यहाँ पे, अब यहाँ से निकलता हूँ। ये गाड़ी ना मेरे को बहुत पसंद है, समझो कि अगर लाइफ में फिर गाड़ी खरीदने का मौका आएगा ना, और बजट इतना का रहेगा ना, 10 लाख के आसपास बजट रहेगा, तो मैं यही प्रेफर करूँगा। देखो यार अब गांव बस्ती के अंदर घुस गए,
ये महाराज लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यार तुमको एक व्यू दिखाता हूँ, सीन दिखाता हूँ, एकदम तगड़ी सी सीन है। देखो ये सीन है अपने एरिया का, देखो क्या खूबसूरत लग रहा है यार। जो मेरा वीडियो देख के यहाँ आते हैं, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यार, यहाँ पे हेलमेट कंपलसरी है। अगर गाड़ी लेके तुमको ऊपर जाना तो हेलमेट तुमको कंपलसरी है, वरना फिर भाई तुम हमको मत बोलना पैदल जाना ऊपर, गाड़ी नीचे पार्क करने बोल देगा। चेक पोस्ट जिसे कहते हैं बॉर्डर तेरा वीडियो का एंड कर रहा हूँ, ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। संडे राइड कैसा लगा? इसमें मैं एक्सीडेंट खाते खाते बचा, फिर विलेज एरिया में भी हज ब्लॉग हो गया, हाईवे पे भी हो गया, ऑल इन वन सारा कंप्लीट हो गया। तो अब ये बताओ कि जल्दी से जल्दी यार जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दाब देना, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।